ये दिखा रहे हैं कि हमारी पैदाइश कैसी है, और वहाँ की आर्मी मिली हुई है। आर्मी चाहती है कि बांग्लादेश मिलिट्री शासन हो और इस्लामिक देश बने, और जो रातों रात वहाँ के हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो इस्लाम कबूल कर ले, अन्यथा उनका हाल भी पाकिस्तान वाला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, उस पर किस तरीके से जनता देख रही है, भारत की जनता उसको किस तरीके देख रही है, दिल्ली के दीपक हैं, सीधा बातचीत करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं, अब शेख हसीना जो वहाँ की 15 साल से प्रधानमंत्री थी, वो 15 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश छोड़ देती है और यहीं भारत में उनको शरण दी जा रही है। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये है कि ये धर्मशाला नहीं है भारत। मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम मोदी जी के हक में बोलते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी की सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी की हर बातों को हम तवज्जो देंगे। हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो इस्लाम के लिए, वो खुद मुस्लिम होने के बाद भी शेख हसीना का वहाँ के इस्लामिक के कट्टर जिहादी लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, वो किसी के क्या होंगे। दूसरा, ये वही शेख हसीना है कि कभी मोदी जी के हक में बोलती है, कभी मोदी जी के विरोध में बोलती थी, कभी ये मोदी जी को गलत बताती थी, कभी मोदी जी को सही बताती थी। आज इनको दिख गया कि इनकी आड़ में धर्म के बीच में अगर कोई आता है तो उसका हाल भी ये वही करेंगे, चाहे इन्हीं की कौम का बंदा हो। पहले ही बता दूँ, शेख हसीना हिंदू नहीं है, शेख हसीना मुस्लिम है। नहीं है कि दारा तो चेक कर लो उनका हस्बैंड क्या था। उसके हस्बैंड की मूर्ति नहीं छोड़ी, उसके हस्बैंड की मूर्ति तोड़ दी जिस समय बांग्लादेश को अलग करने की बात चल रही थी पाकिस्तान से। उस समय इनके हस्बैंड ने जो वहाँ पर अपना एक तरह से मतलब योगदान दिया महत्वपूर्ण, उस योगदान को भी वहाँ के लोगों ने खंडित कर दिया। चौथी बात, अब भारत में वहाँ से वायु विभाग से आके यहाँ पे हिंडन एयरबेस में बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहाँ के मंत्रिमंडल को भी बुलाया जा रहा है। हमारा देश धर्मशाला नहीं है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को टांगा जा रहा है, मार के ये दिखाया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार जब आंदोलन था, रिजर्वेशन का आंदोलन था कहीं ना कहीं स्टूडेंट का आंदोलन था, लेकिन वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, उनके घरों में क्यों झांका जा रहा है, उनके मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। अगर आंदोलन था, मॉल लूट लिया, मोबाइल की दुकान लूट ली, ज्वेलरी लूट ली, मंदिर तोड़ दिए 400-500, थाने फूंक दिए, टारगेट किया जा रहा है जो चिटी गोंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी दबा के है, केवल उसी झुग्गियों में आग लग रही है, केवल झुग्गियों को ही टारगेट किया जा रहा है। एक साथ वहां पर हिंदुओं की बस्ती में ही हमला किया जा रहा है, और साथ के साथ जिस तरीके से मोदी जी सीए लागू किया है, अगर ये चाहें तो वहां से हमारे सनातनी भाइयों को यहां बुलाया जाए, और देशों में जितने भी हमारे सनातनी भाई उनको यहाँ बुलाएं, उनको शरण दे। और हम कह रहे हैं शेख हसीना गो बैक। क्यों भाई साहब, हमारा देश धर्मशाला नहीं है भाई साहब। हमारे देश में पहले इतनी आबादी है, हम तो साला यहाँ पर पानी भरता है तो भी सड़कों पे इतनी आबादी होती है कि नाव ना मिले। वो देखा, वो पत्थर वाली कहानी सुनी है, हिंदुस्तान में तो ये हाल हो रहा है कि पानी के गिलास में जितने पत्थर डालते जाओ पानी ऊपर आ जाता है, यहाँ तो भाई साहब पानी नहीं है। दीपक भाई, एक सवाल मेरा ये, एक महिला के वहाँ पर लड़के घूम रहे जैसे वर्ल्ड कप लेकर आए हो। मेरा सवाल यही है कि जो लोग आज से अभी 10 दिन पहले सिर्फ नाम लिखने को लेकर, जब उत्तर प्रदेश की एक सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि भाई अपना नाम लिख दो, आप नाम लिखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, मानवता का आधार दिखाते हुए, ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए, आज वो लोग इतना बड़ा नरसंहार, एक तरीके से नरसंहार इसको कहेंगे, जो कश्मीर में हुआ, जो जम्मू में हुआ, वही हालत और वही हालात कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश में हो रहे हैं, आखिर वो लोग कहाँ हैं। देखिए पहली बात तो उनके हालात से हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर वहाँ जो सनातनी रह रहे हैं, क्योंकि भारत का भी एक अंग था वो 47 से पहले, और भारत की तुलना जो लोग बांग्लादेश से करते थे, ये ध्रुव राठी जैसे, और ये बवासीर कुमार, ये आपका रवीश कुमार जो कहता था कि बांग्लादेश से, भारत से बड़ा बांग्लादेश हो गया है, आज दिखा तो दिया। एक बंदा चम्मच चुरा के ला रहा है, एक कपलेट चुरा के ला रहा है, एक वहाँ पर कबाड़ी मुल्ला जी दाढ़ी वाला वो टेलीफोन राष्ट्रपति भवन का चुरा के ले आया और कह रहा है हेलो शेख हसीना तू कहाँ है जल्दी मिल। अबे तू टेलीफोन चुरा के लाया, शेख हसीना कोई फ़ोन पे थोड़ी बैठी है। कैसी कैसी बातें हो रही है, टूटी चुरा ली, टंकी चुरा ली, पानी चुरा रहे हैं, बिस्तर चुरा रहे हैं। वहाँ पर शेख हसीना जिस बिस्तर पर सोती थी वहाँ की प्रधानमंत्री, वहाँ पर लेटरिन करके दिखा रहे हैं, वे विरोध चल रहा है। और उस देश को तुम संपन्न देश बताते हो, जिस देश में भूखे नंगों की तरह वो लोग भाग रहे हैं, मुर्गा चुरा लिया, बकरा चुरा लिया, खरगोश चुरा लिया, वो पढ़े लिखे लोग हैं, फिर तुम कहते हो कि वहाँ की आबादी जो है वो 90% शिक्षित है, संडास में हाथ धोने का साबुन भी चुरा लिया ये बोल के कि ये सिंगापुर का है, और वहाँ दिखा रहे हैं।
महिलाओं के छोटे वस्त्र दिखाए जा रहे हैं, माताएं बहनों से पैदा नहीं, मतलब वहां पर किसी माँ ने कोख से जन्म नहीं दिया क्या? ये चीज़ें दिखाने वाली नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि हमारी पैदाइश कैसी है। और वहाँ की आर्मी मिली हुई है, आर्मी चाहती है कि बांग्लादेश मिलिट्री शासन हो और इस्लामिक देश बने, और जो रातों रात वहाँ के हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो इस्लाम कबूल कर ले, अन्यथा उनका हाल भी पाकिस्तान वाला होगा। दीपक, आप लगातार हिंदुत्व की बातें भी करते हैं, लगातार समाज की आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन आज जो स्थिति बांग्लादेश में नज़र आ रही है, क्या ये तस्वीर साफ कर रही है? 20 साल बाद अगर भारत के लोग अब नहीं जागेंगे तो एक दिन बांग्लादेश की तरह ही भागेंगे, ये 20 साल बाद का भविष्य है। आज 17% हो के ये हाल है क्या? जिस दिन वो 40% हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया सारे एक जैसे नहीं होते, हमने कब बोला सारे एक जैसे होते हैं? मगर सांप को डसवा के चेक करवा लो कि सांप के अंदर जहर है कि नहीं, सांप को बोलो इधर आओ हमको डसो, जब आप डसोगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपके अंदर जहर है कि नहीं। पूछो यहाँ कोई सांप से डसवाएगा अपने आप को? अरे पता कैसे लगेगा कि भाई साहब सांप के अंदर जहर है कि नहीं? अच्छा कौन है और बुरा कौन है, इसकी पहचान कैसे करी जाएगी? जब वो शेख हसीना के सगे नहीं हुए वो, तो हिंदुओं के कैसे हो जाएंगे भाई साहब? और पूरा सब स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड तरीके से हुआ है। और अभी तो अच्छा हुआ इसमें मोदी जी का हाथ नहीं बता रही लेफ्ट विंग, नहीं तो कह देंगे कि इसमें भी बजरंग दल का हाथ है बांग्लादेश में। हाँ आपको पता है जी। नहीं कह देंगे इनका क्या जा रहा है कि शेख हसीना को भगाने में वहां मोदी जी का हाथ हो। और क्या पता वो जितने लोग सड़कों पे आ गए वो सारे बीजेपी के हो, धीरे बोलना किसी को बताना मत, है ना भाई साहब? क्या पता वो युवा भी सारे जितने बीजेपी के हो, आपको पता नहीं उन्होंने गमछा नहीं डाला, वो बजरंग दल के हैं वो लोग, आपको पता है? नहीं पता। अरे जिस इस्कॉन ने 5 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जब ये आजादी की मांग कर रहे थे पाकिस्तान से अलग होके, उस इस्कॉन मंदिर के पुजारी को मार दिया, उस मंदिर को फूंक दिया, बताओ। अरे जिसने रोटी दी है कम से कम उसकी तो शर्म कर लो। ये टारगेटिंग हो रहा है पूरा। एक बंदा कह रहा है कि वो रवीश कुमार कह रहा है, एक बंदा क्यों कह रहा है, वो तो खुल के कह रहा है कि जब लोग परेशान होते हैं तो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हैं, जब लोग परेशान होते हैं उनकी मांगे नहीं सुनी जाती तो वो प्रधानमंत्री के ऑफिस को अपना ऑफिस बताते हैं। बड़ा अच्छा हुआ भाई साहब, अगर आपकी मांग भी कोई ना सुने ना तो आप भी जाके LG की कुर्सी में बैठ जाना कल। बिल्कुल LG आप और क्या करोगे, आप ही बन जाओगे भाई साहब, आप ही बन जाओगे LG। कैसी बातें कर रहे हो साला, वहां का लेटरिन का पोर्ट तक उठा के ले गए बाहर सड़क पे बैठ के, कह रहे शेख हसीना इसमें हकती थी। ये किसके सगे हैं भाई साहब? अरे देश की सरकारी संपत्ति है, तुम्हारी इज्जत शर्मसार हो रही है बांग्लादेशियों, तुम्हारी इज्जत शर्मसार हो रही है। आज देश पूरी दुनिया क्या देख रही है, और वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थी, अब प्रधानमंत्री है नहीं, अब वो भगोड़ी है, और भगोड़ों को हमारे देश में शरण नहीं दी जाएगी क्या जी? और शेख हसीना होगी अपने लिए, हमारे लिए कोई शेख नहीं, कोई हसीना नहीं, बाकी मोदी जी जाने और उनका काम जाने। इलेक्शन आ रहा है, अगर उनके जैसे लोगों को शरण देंगे तो हमको भी पता है हमारे पास वोटों की ताकत है, हमको जिसको वोट देना होगा हम दे देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो देख सकते हैं आप, बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो टारगेट बनाकर उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनके साथ जिस तरीके घृणित काम किए जा रहे हैं, आखिरकार उनकी क्या गलती थी? जिस रिजर्वेशन के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन किया गया, तख्ता पलट किया गया, लेकिन उस रिजर्वेशन की जो तस्वीरें हैं, उस आंदोलन की जो हिंसा भरी तस्वीरें हैं, उस तस्वीरों को साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की बेटियों को, हिंदुओं के घरों को, हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं की परिवारों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।